दोस्तों, प्रकृति का ये नियम है कि बड़े और हिंसक जानवर अपना पेट भरने के लिए हमेशा अपने से छोटे और भोले भाले जानवरों का शिकार करते हैं। और ये नियम सिर्फ जानवरों ही नहीं बल्कि पक्षियों और छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों पर भी इसी तरह लागू होता है। अब यूं तो ज्यादातर मामलों में ये छोटे जीव खुद को इन बड़े जीवों के हमलों से बचाने में नाकाम हो जाते हैं, लेकिन धरती पर कुछ ऐसे खास जीव भी मौजूद हैं जो शिकारी जीवों से खुद को बचाने के लिए बेहद अनोखे तरीके अपनाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में एक ऐसी छिपकली भी है जो खुद को बचाने के लिए अपनी आंखों से खून की पिचकारी छोड़ती है। और आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ अजीब जीवों के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, रेडवुड एंट। दोस्तों, चींटियां एक बेहद छोटा जीव होती हैं और आमतौर पर दूसरी चींटियों के साथ एक कॉलोनी बनाकर रहती हैं। आकार में छोटी होने की वजह से बहुत से बड़े बड़े कीड़े मकोड़े और जानवर इनको अपना शिकार बनाते हैं। अब यूं तो ज्यादातर मामलों में ये चींटियां खुद को बचाने के लिए कुछ खास नहीं कर पाती, लेकिन हम आपको बता दें कि दुनिया में चींटियों की एक ऐसी प्रजाति भी पाई जाती है जो अपने मजबूत डिफेंस मैकेनिज्म के दम पर भालू जैसे बड़े जानवर को भी मैदान छोड़कर भागने पर मजबूर कर देती हैं। चींटियों की इस खास प्रजाति का नाम रेडवुड एंट है, जो मुख्य रूप से यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है। इसके अलावा इन चींटियों को फार्मिका रूफा, वुड एंट और हॉर्स एंट जैसे नामों से भी जाना जाता है। आप सोच रहे होंगे, भला ये छोटी छोटी चींटियां आखिर ऐसा क्या करती होंगी जिससे बड़े जानवर भी इन पर हमला नहीं कर पाते। दरअसल जब भी कोई जानवर या कीड़ा इन चींटियों की कॉलोनी पर हमला करता है तो ऐसे में ये सभी चींटियां एक साथ मिलकर उस जीव के ऊपर एक अजीब तरह के तरल पदार्थ की पिचकारी छोड़ना शुरू कर देती हैं। ये लिक्विड जब किसी जानवर के ऊपर गिरता है तो इससे उसको न सिर्फ तेज जलन महसूस होती है बल्कि साथ ही उसको एक तेज दुर्गंध भी आती है जो उसके लिए बर्दाश्त करना नामुमकिन हो जाता है। ऐसे में उस जानवर के पास वहां से भागने के अलावा कोई और ऑप्शन बचता ही नहीं है। असल में दोस्तों, चींटियां द्वारा छोड़ा जाने वाला ये लिक्विड फॉर्मिक एसिड होता है, जिसको हम दूसरे शब्दों में चींटियों का तेजाब भी कह सकते हैं। ये एसिड इन चींटियों के पेट के अंदर ही बनता है और जरूरत पड़ने तक ये इसको अपने पेट में ही स्टोर करके रखती हैं। हालांकि अभी हाल ही में की गई एक रिसर्च में ये बात सामने भी आई है कि रेडवुड एंट अपने इस एसिड का इस्तेमाल सिर्फ अपने डिफेंस के लिए ही नहीं बल्कि अपने खाने को डिसइंफेक्ट करने के लिए भी करती हैं। इतने छोटे से जीव के अंदर ऐसी खूबियां होना वाकई प्रकृति का चमत्कार है। नंबर 2, सार्डिन फिश। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने इस मछली का नाम पहले भी सुना होगा, क्योंकि दुनिया भर में लोग इस मछली को खाना बहुत पसंद करते हैं। बेहद छोटे आकार की नजर आने वाली ये मछली दिखने में जितनी साधारण नजर आती है असल में उतनी ही ज्यादा चालाक होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अपनी चालाकी और बेहद अनोखे डिफेंस मैकेनिज्म से ये छोटी सी मछली शार्क जैसी खूंखार मछली के हमले से भी बच निकलती है। दरअसल खतरा महसूस होने पर ये सभी छोटी छोटी मछलियाँ बहुत बड़ी संख्या में एक साथ इकट्ठा होकर एक बड़ी आकृति बना लेती हैं। ये चालाक मछलियाँ अपने छोटे बच्चों को इस बड़ी और अजीब आकृति के अंदर वाले हिस्से में रखती हैं, ताकि कोई भी शिकारी जीव इनके बच्चों तक न पहुंच पाए। और इसी तरह एक दूसरे के साथ जुड़ते जुड़ते ये मछलियाँ इतना बड़ा और डरावना नजर आने वाला आकार ले लेती हैं कि शार्क जैसे हिंसक और निडर स्वभाव वाली शिकारी मछलियाँ भी इनको देख कर वहां से भाग खड़ी होती हैं। इन मछलियों द्वारा बनाई गई इस आकृति को बिट बॉल कहा जाता है, जो कई बार वेल मछलियों के आकार जितनी बड़ी हो जाती है। नंबर 3, केंटिश प्लोवर। दोस्तों, केंटिश प्लोवर नाम की यह खूबसूरत सी नजर आने वाली चिड़िया आकार में बेहद छोटी और वजन में काफी हल्की होती है। इस चिड़िया के शरीर का वजन सिर्फ 40 ग्राम होता है, जिसके चलते ये शारीरिक रूप से इतनी ताकतवर नहीं होती कि शिकारी पक्षियों से अपनी, अपने बच्चों और अपने अंडों की रक्षा कर सके। वैसे ये शारीरिक रूप से भले ही कमजोर होती है, लेकिन इसका दिमाग बड़ा तेज होता है और ये अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए अपने इसी तेज दिमाग का इस्तेमाल करती है। दरअसल जब भी कभी इस चिड़िया को आसमान में कोई शिकारी पक्षी उड़ता हुआ नजर आता है तो ये तुरंत अपने बच्चों को पत्तों और टहनियों से ढक देती है, ताकि उस शिकारी पक्षी की नजर उसके घोंसले पर न जाए। और अगर ऐसा करने के बावजूद भी उस शिकारी पक्षी की नजर इसके घोंसले पर चली जाती है तो ये नन्ही चिड़िया अपने बच्चों को बचाने के लिए एक दूसरी तरकीब अपनाती है। असल में ये चिड़िया उस शिकारी पक्षी का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए घायल होने का नाटक करने लगती है। ऐसा होने पर वो शिकारी पक्षी इसको घायल समझकर उसके बच्चों का पीछा छोड़कर इसके पीछे पड़ जाता है। ये चिड़िया घायल होने का नाटक करते करते उस शिकारी पक्षी को अपने घोंसले से काफी दूर ले जाती है, और जब उसको लगता है कि ये अपने घोंसले से काफी दूर आ चुकी है तो फिर ये अचानक से अपने उड़ने की रफ्तार बढ़ाते हुए जंगलों में गायब हो जाती है।
ऐसा होने पर वो शिकारी पक्षी ना तो इस चिड़िया का शिकार कर पाता है और ना ही उसके बच्चों का। इस तरह अपने तेज दिमाग की मदद से ये चिड़िया खुद को और अपने बच्चों को शिकारी पक्षियों से बचाने में कामयाब हो जाती है। नंबर 4, रिबन वॉर्म। दोस्तों, रिबन वॉर्म दिखने में तो दूसरे आम कीड़ों के जैसा ही नजर आता है, लेकिन इसके अंदर खुद को बचाने और शिकार करने के लिए एक ऐसी खासियत होती है जो इसको दूसरे आम कीड़ों से अलग बनाती है। दरअसल इस कीड़े को अगर ऊपर की तरफ से हल्का सा भी दबाया जाए तो इसके मुंह से सफेद रंग का एक अजीब सा पदार्थ बाहर निकल आता है। इस सफेद चीज को देखकर ऐसा लगता है जैसे इस कीड़े ने उल्टी कर दी हो, लेकिन असल में ये सफेद पदार्थ उसकी उल्टी नहीं बल्कि उसके शरीर का ही एक अंग होता है जिसका इस्तेमाल ये अपनी मर्जी से शिकार करने या फिर खुद को बचाने के लिए करता है। रिबन वर्म का ये अंग बेहद चिपचिपा होता है जिसके चलते छोटे आकार के कीड़े मकोड़े इस पर चिपक जाते हैं, और जैसे ही वो कीड़े इस अंग पर चिपकते हैं वैसे ही रिबन वर्म अपने इस अंग को वापस अपने शरीर में खींच लेता है। ऐसा करने से वो कीड़े इस अंग के साथ ही इसके पेट में चले जाते हैं। इसके अलावा रिबन वर्म का ये अंग काफी जहरीला भी होता है, और जब कोई शिकारी कीड़ा इसके ऊपर हमला करता है तो ये उसके ऊपर अपने इस जहरीले अंग को छोड़ देता है। इस अंग के संपर्क में आते ही दूसरे कीड़ों को कुछ समय के लिए लकवा मार जाता है, और इसी का फायदा उठाकर रिबन वॉर्म या तो उस शिकारी कीड़े को खुद अपना शिकार बना लेता है या फिर अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़ा होता है। नंबर 5, जैपनीज बी। दोस्तों, मधुमक्खियों का सबसे बड़ा दुश्मन जायंट हॉर्नेट को माना जाता है, क्योंकि हॉर्नेट अपने बच्चों को मधुमक्खियों का लार्वा खिलाते हैं जिसके चलते इन्हें लार्वा लेने के लिए छत्ते में जाना पड़ता है, और जब ये लार्वा लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ इनका मुकाबला इन मधुमक्खियों से होता है। अब चूंकि हॉर्नेट मधुमक्खियों से काफी ज्यादा बड़े और ताकतवर होते हैं इसलिए ज्यादातर मामलों में जीत हॉर्नेट की ही होती है, लेकिन जापान के अंदर मधुमक्खियों की एक ऐसी प्रजाति पाई जाती है जो अपने लार्वा को बचाने के लिए उल्टा हॉर्नेट को ही मौत की नींद सुला देती है। दरअसल जब भी कोई हॉर्नेट इन मधुमक्खियों के करीब आता है तो वे एक स्ट्रेटेजी के तहत उसको अपने छत्ते में घुसने देते हैं, और जब वो हॉर्नेट छत्ते में घुस जाता है तो ये सभी मधुमक्खियां एक साथ मिलकर उसको चारों तरफ से घेर कर अपनी पंखों को इतनी तेजी से फड़फड़ाती हैं कि उनके इस घेरे का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाता है, और ये गर्मी इतनी बढ़ जाती है कि इससे जलकर उस हॉर्नेट की मौत हो जाती है। नंबर 6, हॉर्नड लिजर्ड। दोस्तों, हॉर्नड लिजर्ड, जिसको हिंदी भाषा में सींगों वाली मछली भी कहा जाता है, एक बड़ी ही खतरनाक दिखने वाली छिपकली होती है। हालांकि दिखने में ये जितनी खतरनाक नजर आती है असल में ये उतनी ही ज्यादा सुस्त होती है, और इसकी यही सुस्ती इसको दूसरे शिकारी जीवों के लिए एक इजी टारगेट बना देती है। लेकिन आसान शिकार होने के बावजूद भी बड़े बड़े शिकारी जानवर इस छिपकली का शिकार नहीं कर पाते। दरअसल जब भी कोई शिकारी जीव इस पर हमला करने के लिए इसके करीब आता है तो ये छिपकली अपनी आंखों से खून की एक बेहद तेज पिचकारी उस शिकारी जीव के ऊपर छोड़ देती है। इस पिचकारी का निशाना इतना सटीक होता है कि आंख से निकला वो खून सीधा उस जीव के मुंह पर जाकर गिरता है। हॉर्नड लिजर्ड का ये खून न सिर्फ उस शिकारी जानवर को डराता है बल्कि उससे उसको तेज जलन और दुर्गंध भी महसूस होती है, इसीलिए वो जानवर इस खून के अपने शरीर पर लगते ही वहां से तुरंत भाग खड़ा होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये छिपकली एक बार में ही अपने शरीर का लगभग 30% खून इस पिचकारी में छोड़ देती है। वैसे हॉर्नड लिजर्ड का ये खून कुत्ते और भेड़ियों जैसे शिकारियों को भगाने में तो कामयाब हो जाता है, लेकिन ये गिद्ध और बाज जैसे शिकारी पक्षियों पर बिल्कुल काम नहीं करता, क्योंकि इन पक्षियों के लिए हॉर्नड लिजर्ड का ये खून पूरी तरह नॉर्मल होता है जिसके चलते ये बड़ी आसानी से इसका शिकार कर लेते हैं। बाकी दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। हम ऐसे ही रोमांचक वीडियो आपके लिए हर रोज लेकर आते हैं। धन्यवाद।